william begley describes the importance of uh, logical uh, things as compared to the psychological organization of things. what are the logical organization or logical sequences that are found? begley recognizes that the organization of experience in the form of subjects involves the use of large scale concepts and meanings, and that a certain proportion of the members of each generation. आर अनएबल टू मास्टर दीज एबस्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अब यहाँ ये देखिए कि बेगले इस चीज को एतराफ़ करते हुए इसका नज़र आते हैं कि जो एक्सपीरियंस की ऑर्गेनाइजेशन है वो सब्जेक्ट्स की सूरत में इन्वॉल्व करती है लार्ज स्केल कॉन्सेप्ट और मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर यानी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस की यहाँ पे सो इफ वी सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स इन्वॉल्वस वाट इट इन्वॉल्व यूज ऑफ लार्ज स्केल कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग्स सो लार्ज स्केल कॉन्सेप्ट और मीनंग की ज़रूरत है हमें सब्जेक्ट्स uh, के लिए और वह सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस के लिए और जो दूसरी बात है वो हमें यहाँ ये नज़र आती है कि डेट

एंड फॉर दोज हु नेवर ग्रो अप में रिलेटिवली सिंपल एजुकेशनल प्रोग्राम लिमिटेड इन दर्लीस्ट ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड टू द मोस्ट सिंपल एंड कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स मस्ट सफेस यहाँ वो इस नीड को रिकगनाइज करते हुए नज़र आते हैं जिसमें एक तरह से स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो स्लो लर्नर्स हैं या जो रिटायर्डेड हैं या वो लोग जो कि कभी भी ग्रो नहीं कर सकते नॉर्मल लोगों की तरह उनको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और ये समझ आना चाहिए कि हमारे लिए सिंपल और कॉन्क्रीट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनको हल करवाना उन स्टूडेंट से उन बच्चों से बहुत ज़रूरी है और उसके लिए खास किस्म की एजुकेशन जो है वो नहायत नागजीर है और फिर वेरियस वेरियसेंसी के अंदर वो ये बात करते हैं कि एसेंशलिस्ट रिकगनाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एसेंशलिस्ट जो है वो स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं यानी मास्टरी की बात करते हैं किसी खास सब्जेक्ट एरिया के अंदर उसकी ऑर्गेनाइज नॉलेज में एंड दे रिकनाइज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंट एंड स्लो लर्नर्स और इसी के साथ वो कॉम्पिटेंट और स्लो लर्नर्स वो लर्नर्स जो कि नॉर्मल नहीं सीख सकते लोगों के साथ बैठ के उन दोनों में जो तफरीक है उसे भी अंडरस्टैंड करते हुए नजर आते हैं जबकि प्रोग्रेसिविस्ट डिसक्रेडिट फॉर्मल ऑर्गेनाइज एंड एबस्ट्रैक्ट लर्निंग्स दास डिस्करजिंग इवन कॉम्पिटेंट लर्नर फ्राम अटैम्प्ट स्टडीज दैट आर एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट जबकि यहाँ अब जो कमी सामने आती है वो ये है कि जो प्रोग्रेसिस्ट हैं वो तो यार मुस्तरद कर देते हैं फॉर्मल तरीके को ऑर्गनाइज तरीके को और एबस्ट्रैक्ट लर्निंग को तो फिर इस तरह से तो वो कॉम्पिटेंट लर्नर्स को भी डिस्क्रेज कर रहे हैं हर किस्म के अटैम्प्ट से ऑफ लर्निंग दैट आर एग्जैक्ट वो लर्निंग्स जो कि एक खास तरीक़ाकार के तहत दी जाती हैं तो यहाँ हमें ये लगता है कि प्रोग्रेसिस्ट ज उनके प्रोग्रेशन के अंदर एक शक है जिसको एक्चुअली uh, uh, समझा है और जिसको पाया है विलियम uh, बेगले ने और ये उस बात के ऊपर एम्फोसाइज करते नजर आते हैं कि वी मस्ट रेकग्नाइज दैट प्रोग्रेसिविस्ट्स आर एक्चुअली अगेंस्ट सच काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट एंड अबाउट फेलियर इस रिकग्नाइज दैट फेलियर इन स्कूल इज अनप्लेजेंट एंड दैट रेपेशन ऑफ अ ग्रेड इज कॉस्टली एंड ऑफ नॉट इफेक्टिव और यहाँ पे लॉजिकल बातों के तहत लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के तहत जो असेंशलिज्म में लोग जिसको फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं कि जो फेलियर है ये किसी तरह भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें जो रेपूटेशन है वो कॉस्टली भी है और ये एक अनप्लेजेंट भी चीज़ है एक स्टूडेंट के लिए एंड दैन लैक ऑफ स्टेमसमस यानी वो चीज़ें जो हमें माशरे से मिलती हैं इन्वामेंट से मिलती हैं विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट अपॉन अस एंड मेक अस थिंग्स उसके बारे में वो ये कहते हैं कि लैक ऑफ अ स्टेलस दैट कीप्स द लर्नर

दी वेरियस कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स तो फिर ये बात यहाँ एक तरह से साबित होती है कि एसेंशलिज्म के तहत भी स्टूडेंट की सब कैपेसिटीज़ और स्टूडेंट की जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको रिकग्नाइज करते हैं इस स्कूल के मानने वाले या स्कूल के फॉलोअर्स